आज अपनी साइकिल को थोड़ा सा मैं बात कर दूँ, है ना। आज मेरा फिलोसफी सब्जेक्ट से पीएचडी का लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है डीएवीबी यूनिवर्सिटी में, तो बस मैं आया हूँ अपनी साइकिल से। बढ़िया, सब लोग बाइक से आए हैं, मैं साइकिल से दो किलोमीटर दूर है मेरे रूम से, तो मैं साइकिल से ही आता रहता हूँ। बस मैक्सिमम साइकिल का यूज़ करता हूँ। तो जो फिलोसफी सब्जेक्ट से मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, उसका जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है, मतलब रखा है मैंने चूज़ करके, उससे रिलेटेड ही मेरा डिपार्टमेंट जो मुझे डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो काफ़ी अच्छा है। और भीड़ भी बहुत है। एक भाई मिला था, वो हिमाचल प्रदेश से एमपी में इंदौर आया था पीएचडी के लिए। एक तमिलनाडु से था, वो भी पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा था। हाँ सर, भाई अगर हो जाता है पीएचडी, फिलोसफी से कर रहा हूँ पीएचडी, अगर हो जाएगा तो मेरी एक मतलब बहुत दिली तमन्ना थी कि पीएचडी करना है, फिलोसफी से ही करना है। और एमए भी फिलोसफी से मेरा फाइनल चल रहा है, हो जाएगा इस बार। अगर पीएचडी में सिलेक्शन हो गया तो यंगेस्ट रहूँगा मैं शायद, क्योंकि एमए के बाद सीधा मेरा पीएचडी में सिलेक्शन हो जाएगा। कोशिश की है कि मेरा फिलोसफी सब्जेक्ट से पीएचडी हो जाए। गांधी जी, और चलो बेस्ट ऑफ लक बोलो मुझे, मुझे विश करो कि मेरा सिलेक्शन हो। और मेरा दिली तमन्ना जो थी बचपन से ही की पीएचडी करना है, डॉक्टर बनना है, और थोड़ा रिसर्च करना है। मेन चीज़ था मेरा रिसर्च पर करना है, मुझे पसंद है रिसर्च करना। तो जिस टॉपिक पे मैं चूज़ किया हूँ, मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर क्लियर हो जाता है तो मैं उसके ऊपर पीएचडी करूँगा, है ना। मैंने तैयारी की है, लेकिन फिर भी तुम्हारी विशेष की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, है ना। बाय बाय।